Good morning, 12th class students. Today we are going to start lesson number 1 of economics. Our topic is स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र किस प्रकार का था. Agricultural sector on the eve of independence. Number 1 is अनिश्चितता की अधिक मात्रा. High degree of uncertainty. कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता पाई जाती थी क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक थी. आप लोगों को पता है खेती यानी कि कृषि किस पर डिपेंड होती है, वर्षा पर. अगर अच्छी वर्षा तो अच्छी फसल और कम वर्षा तो कम उत्पादन. सेकंड इज निर्वाह खेती का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में लिया जाता है. निर्वाह खेती का वह रूप है जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताएं यानी कि रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए किया जाता है. नंबर 3 इज भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉयल एंड टिलर्स ऑफ द सॉयल. ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की एक विशेषता यह भी थी कि भूमि का स्वामी यानी कि ऑनर ऑफ द सॉयल एंड भूमि को जोतने वाला टिलर ऑफ द सॉयल में बहुत डिफरेंस था. जो ऑनर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने प्रॉफिट का सिर्फ कुछ ही हिस्सा किसानों को देते थे जिससे कि उनका सिर्फ निर्वाह ही हो पाता था. तो आपको ये टॉपिक लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है.